तो आज हमारे पास है बोश की ड्रिल ग्राइंडर मशीन जो कि मैंने अमेज़न से ऑर्डर की है। और अगर आप इस परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और ये इसी पैकिंग में हमें मिली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, बोश GSB 120 LI। और यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, ये ड्रिल मशीन के साथ साथ एक स्क्रू ड्राइवर का भी काम करती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें एक हमें चार्जर भी मिलता है जिसका मॉडल नंबर इस पर लिखा हुआ है। साथ ही इसकी जो बैटरी हमें इसके साथ मिलती है वो उसका मॉडल नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो हमारे पास मॉडल है ये सिंगल बैटरी वाला है, आप डबल बैटरी वाला मॉडल मंगा सकते हैं, लेकिन अपने यूज के हिसाब से आप उसको परचेज कर सकते हैं। और साइड में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। ये इसी पैकिंग में हमारे पास आया है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बॉक्स में मिलता है जो कि काफी अच्छा बॉक्स है। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो इसके साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, ये इसकी जो फास्ट चार्जर है इसके लिए एक मैनुअल है, और इसी के साथ यहाँ एक और मैनुअल है जो कि हमारी ड्रिल मशीन के लिए मैनुअल दिया गया है। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड वगैरह और इनके सर्विस सेंटर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें हमें दी हुई है। और यहाँ पे हमारी मेन चीज हमारी ड्रिल मशीन रखी हुई है, और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये फास्ट चार्जर भी रखा हुआ है। चलिए इस बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। और ये हमारी मेन ड्रिल मशीन जो कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गियर वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे गियर 1 और इस साइड मूव करने पे इसमें गियर 2 शिफ्ट हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स ड्राइव्स में चलाने के लिए एक बटन दिया हुआ है, और इसे जब बीच में रखते हैं तो हमारा ट्रिगर लॉक हो जाता है। इसके अलावा जब इसको ड्राइव्स में रखते हैं तो हमारी ये फॉरवर्ड ड्राइव्स में चलती है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ इसमें एक LED भी दी हुई है जो कि हम जहाँ पे इसका यूज करेंगे वहाँ पे ये फोकस करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें नीचे की ओर ये बैटरी दी हुई है, इसको हम बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। 12 वोल्ट 2.0 एम्पियर आवर की बैटरी है, और इसको हम लेते हैं, हम चार्जर भी कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जब भी हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं इसमें ग्रीन LED ब्लिंक करती है, ग्रीन LED जलती है, और जब हम इसको चार्ज पे लगाएंगे तब हमारी LED ब्लिंक करने लगी है। आप देख सकते हैं कि हमारी LED ब्लिंक करने लगी है, और जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगी। बैटरी को इंसर्ट करना भी काफी आसान है, आपको बस इसे यहाँ पे रखना है और सीधे अंदर को पुश कर देना है, और हमारी बैटरी इंसर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें गियर के साथ यहाँ पे आगे टॉर्क मैनेजमेंट के लिए भी दिया, ड्रिलिंग के लिए भी अलग से मैकेनिज्म दिया हुआ है। और इसमें हमें कीलेस चक मिलती है, यहाँ हमें की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें हम इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं बिट को सेट करने के लिए, और इसके अलावा हम इसे ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको कुछ टेस्टिंग करके भी देख लेते हैं। लकड़ी पे ट्राई करके देख लेते हैं, और ये लोहे पे भी काम करती है, तो
चलिए फटाफट से इसको इसमें ड्रिल करके देखते हैं। आप इसको इस तरह से इसमें लगा सकते हैं और अब हम इसमें ड्रिल करेंगे। आप देख सकते हैं इसने बड़ी ही आसानी से इसमें होल कर दिया है। आप देखिए यहाँ पे इसने होल किया है। चलिए अब इससे हम एक बड़ी बिट लगा के देखते हैं। इससे भी इसमें होल करके देखेंगे। इससे भी हमने बड़ी आसानी से इसमें होल कर दिया और अब हम इससे भी बड़ी बिट लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी पावरफुल मशीन है ये। तो आज के लिए बस इतना ही और हमारे साथ बने रहिए। हम आने वाली अपनी सभी वीडियोस में इस ड्रिल मशीन का यूज करने वाले हैं। जितने भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे सब में हम जितनी भी इसकी यूजेज होगी उसके हिसाब से हम इस ड्रिल मशीन का यूज करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।